कुड़नी उपचुनाव का फाइनल रिजल्ट आ गया है। भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता ने भारी जीत यहां से दर्ज की। आप देख सकते हैं 76,648 वोट केदार गुप्ता को मिले हैं, वहीं 73,016 वोट जो हैं वो मनोज कुशवाहा को मिले हैं, वहीं 9,988 वोट जो हैं वो नीलाभ कुमार को मिले हैं। नीलाभ कुमार का कहना है कि 10,000 वोट लाना बड़ी बात है क्योंकि वो पहली बार खड़े थे, और 3,202 वोट जो है वो ओवैसी के प्रत्याशी को मिले हैं। वहीं देखिए कि नोटा 4,446 वोट जो है ओवैसी से ज़्यादा लोगों ने नोटा को पसंद किया। इसके बाद अब जो स्थिति है वो बाहर मतगणना स्थल के ठीक बाहर जो जदयू और भाजपा के समर्थक है वो आपस में भिड़ गए, और भाजपा खेमे में जो वहाँ पे कैंप बनाया गया था उसमें भारी जश्न का माहौल है। तो जैसा कि दावा किया जा रहा था वो दावा कहीं ना कहीं सच होता नजर आ रहा है। और कुड़हनी उपचुनाव जो हुई थी उसमें भाजपा ने भारी जीत दर्ज की है। मुजफ्फरपुर से एनबीटी के लिए मैं संदीप कुमार।